अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और आतंकी बौखलाए हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने के लिए हर नापाक कोशिश में लगे हैं। इसका खुलासा खुद देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 230 पाकिस्तानी आतंकवादी देखे गए हैं, जिनमें से कुछ ने घुसपैठ भी की है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान लगातार अपने साथियों को उकसाने के लिए कोड वर्ड में बात कर रहा है। डिकोड करने पर पता चला कि आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक के इस्तेमाल की बात कर रहा है। बॉर्डर पर लगे मोबाइल टावर के जरिए वो अपने लोगों तक संदेश भेज रहा है कि कश्मीर में सेब के ट्रकों का मूवमेंट हो रहा है, क्या तुम लोग उसे रोक नहीं सकते? क्या हमें बंदूकों के बदले चूड़ियां भेजनी चाहिए? अजीत डोभाल ने बताया कि घाटी में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। श्रीनगर से रोजाना 750 ट्रक निकल रहे हैं, इससे आतंकी बौखलाए हैं। आर्टिकल 370 हटने के ऐलान के बाद ही एनएसए अजीत डोभाल कई दिनों तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करते नजर आए थे। हालात और सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले ही भारी संख्या में सीआरपीएफ और सेना की तैनाती की गई थी, साथ ही इंटरनेट समेत कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य होते गए, वैसे वैसे बैन भी हटते गए। जम्मू कश्मीर में 92.5% इलाकों में पूरे तरीके से बैन हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपने लोगों को सिग्नल भेजना बंद कर देगा तो सभी बैन हटा लिए जाएंगे, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, जो समझ जाए वो पाकिस्तान नहीं। जिसके बादशाह से लेकर प्यादे तक बस एटमी हमले की गीदड़ भपकी देकर अपनी आवाम को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। जो अपनी जनता को ठीक से रोटी मुहैया नहीं करा सकता वो पाकिस्तान, जो कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है वो पाकिस्तान, जो भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के चक्कर में मुंह की खा चुका है, वो अब आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर कश्मीर के अमन चैन को निशाना बनाने की कोशिश में लगा है। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।